विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रामगढ़ समरणालय में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा मुख्य अतिथि रामगढ़ अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार की मौजूदगी में बीके निर्मला बहन के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर एसडीओ ने आम जनों से अपील किया कि घर के प्रत्येक सदस्य एक एक पौधा अवश्य लगाएं तथा उसकी देखरेख भी करें। पेड़ पौधा हमें फल, छांव, स्वच्छ वातावरण तथा अधिक वर्षा देती है, जिससे हमारा वातावरण संतुलित रहता है। उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस पर रामगढ़ जिला वासियों को शुभकामनाएं दी है। वहीं ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में कटहल, आम, जामुन जैसे करीब 50 फलदायी पौधे के साथ साथ गुलमोहर, नीम जैसे पौधे लगाए गए। प्रकृति को हम लोग हमेशा जो हम लोग को जीवनदायिनी है उसके प्राण संरचना, उसके उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए जो हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इसमें आपकी संस्था को मेरी ओर से कोटि कोटि नमन। आपने बहुत अच्छा कार्य किया है और जिस प्रकार से हम लोगों ने आज यहाँ पे अभी प्रतिज्ञा भी लिया, संकल्प लिया कि जिस प्रकार प्रकृति बिना कुछ सोचे समझे अपनी निरंतर रूप से सेवा प्रदान करते रहती है हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी उसी प्रकार जो आज विश्व में अनेक प्रकार की जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं जो उत्पन्न हो गई हैं और हमारी जो आबादी बढ़ते जा रही है निरंतर, उसकी रक्षा के लिए और अपने क्षेत्र और अपने जहां हम लोग रहते हैं उसके विकास के लिए हम लोग का आवश्यकता है कि हमारी प्रकृति एक सुखी संपन्न प्रकृति के रूप में उभर कर आए। और ये तभी संभव होगा जब हम सभी लोग इस प्रकार से जागरूक रहेंगे। आज सांकेतिक रूप से हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसको जरूर मना रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आज जो हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि वृक्षों का अधिक से अधिक वृक्षारोपण हम लोग करें, वृक्षों का हम लोग नाश नहीं करेंगे और जहाँ तक संभव है प्रकृति से जुड़े माने वन्य जीव, प्राणी जो भी हैं, सबों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। दी वेब्स वेजिटेरियन फैमिली रेस्टोरेंट की एक्सप्रेस डिलीवरीज अब घर बैठे ऑर्डर करें सिर्फ एक कॉल पर। फ्री होम डिलीवरी के लिए हमें कॉल करना ना भूलें 8092201666। न्यूज़लैंड्स में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है